नमस्कार, मैं हूं सैयद मोहम्मद अब्बास और आप देख रहे हैं जुबली पोस्ट का खास कार्यक्रम वर्ल्ड कप विद अब्बास। आज मैं केडी सिंह बाबू स्टेडियम में, आप देख सकते हैं कितने युवा क्रिकेटर हैं जो यहां पर अभ्यास कर रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच जो मुकाबला होना है, जो थोड़ी देर में स्टार्ट होगा, उसको लेकर भी काफ़ी गहमा गहमी इस स्टेडियम में, बच्चे काफ़ी तादाद में। आइए हम कुछ खेल प्रेमियों से बात करेंगे कि वो मैच के बारे में क्या सोचते हैं, किस तरीके की तैयारी है, क्या है लग रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन जीतेगा कौन हारेगा, इसको लेकर जो युवा खेल प्रेमी है वो क्या सोचते हैं। आइए हमारे साथ कुछ क्रिकेट फैंस हैं, उनसे बातचीत करते हैं। कौन जीतेगा कौन हारेगा? सर, इंडिया ही जीतेगी। इंडिया। कौन सा फेवरेट प्लेयर है आपका? MS धोनी। MS धोनी है। आप क्या बैट्समैन हैं या क्या हैं? ऑलराउंडर हैं? ऑलराउंडर। भारत और जो पाकिस्तान का मैच होना है उसमें भारत जीतेगा, भारत की तरफ से कौन सा खिलाड़ी जो लग रहा है कि सबसे ज्यादा रन बनाएगा? विराट कोहली। यानी कप्तान आपके फेवरेट है, धोनी के अलावा आप विराट कोहली को ही पसंद करती हैं। तो भारत जीतेगा मैच, आप देख रहे हैं। ठीक है, ऑफ कोर्स इंडिया ही जीतेगी हमेशा की तरह, और पाकिस्तान के खिलाफ उनको करारी हार देगी। और जैसे 2011 में वो वर्ल्ड कप लेकर आए, इस बार भी हम चाहते हैं कि वो हमारे देश में वर्ल्ड कप लेकर आए। कौन सा फेवरेट प्लेयर है जो कल जो है पाकिस्तान के खिलाफ जो मैच होना है उसमें चलेगा? वो KL राहुल। KL राहुल कल ओपनिंग कर रहे हैं मैच में, जो मैच होना है भारत पाकिस्तान के बीच में, KL राहुल ओपनिंग करेंगे क्योंकि शिखर धवन चोटिल हैं। क्या लगता है KL राहुल बतौर ओपनर चलेंगे कल? जी हाँ, बहुत चलेंगे क्योंकि वो बहुत अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं और मुझे लग रहा है कि वो अपनी टीम को जिताने के लिए बहुत कोशिश करेंगे और वो अच्छे स्कोर करेंगे। चार नंबर पर जो बैट्समैन है, जैसे कि अब था कि KL राहुल उतरेंगे लेकिन KL राहुल अब ओपनिंग कर रहे हैं, तो चार नंबर के स्लॉट पर कौन खिलाड़ी आपको दिख रहा है? चार नंबर पर तो आई थिंक MS धोनी या फिर ऋषभ पंत भी हो सकते हैं। जो चार नंबर की स्लॉट है वो अभी भी खराब लग रही है कि कौन सा प्लेयर उतरेगा, अभी कोई तय नहीं है, उसको लेकर कुछ सोचते हो? जी, हमको लगता है कि अभी तो देखिए शिखर धवन चोटिल हो गए हैं, तो हमको लगता है कि अभी यहाँ पे चार नंबर पे धोनी को या पांड्या को उतारना चाहिए, क्योंकि धोनी इस समय अभी फॉर्म में चल रहे हैं और पांड्या भी इस समय रन बना रहा है। MS धोनी एक मैच विनर है और वो फील्ड पर भी जो है विराट कोहली को वो सपोर्ट करते हैं, तो कोहली की जो भूमिका है वो बतौर कप्तान तो अच्छी है ही है, धोनी की भूमिका क्या रहेगी? धोनी की भूमिका वही रहेगी जैसे वो हमेशा गाइड करते हैं विराट को, और हमेशा वो मतलब जैसे जो भी डिसीजन लेना होता है वो पहले विराट कोहली MS धोनी से डिस्कशन करते हैं, तो उनको हेल्प करते हैं, वो ऐसे ही हेल्प करेंगे। भारत क्यों? बॉलर अभी उनके पाकिस्तान के अभी तक कोई चले नहीं अच्छी तरह, तो भारत ही जीते क्योंकि इंजामुल हक ने कहा है कि इस बार इतिहास बदलेंगे हम। देखिए, उनके पास अभी कोई ऐसा प्लेयर नहीं है, कोई फॉर्म में नहीं है और वो लोग मैचेस भी हार रहे हैं, तो मुझको नहीं लगता इस बार पाकिस्तान जीतेगा। इंडिया क्योंकि प्रैक्टिस मैचेस में भी जिस तरह से इंडिया ने परफॉर्म किया है, सेंचुरी मारी KL राहुल ने, और उसके बाद प्रैक्टिस सेशंस भी इंडिया काफ़ी ले रही है, उसमें बैटिंग करते हुए हम लोग के प्लेयर अच्छी बैटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इंडिया, भारत और पाकिस्तान का मैच होता है वो काफ़ी हाई वोल्टेज मैच होता है, लगातार चर्चा हो रही है, क्या है ऐसा कि जो भारत और पाकिस्तान का मैच होता है तो हर आदमी एकदम परेशान, मतलब एकदम क्रेज उसका बढ़ जाता है? ऐसा इसलिए क्योंकि हम देखिए वो थोड़ा सा राइवल भी हैं वो लोग, हम लोग के कंट्री के पुराने, जब से बीच में लकीर खींची पार्टीशन की, तो तब से उसकी वजह से भी काफ़ी जो देशभक्त होते हैं उनको भी ये मैच देखने में अब ज़्यादा मज़ा आता है। अच्छा, सारे परिवार बैठ के मैच देखते हैं। पाकिस्तान की तरफ से कौन सा खिलाड़ी है जो इस बार भारत के लिए खतरा हो सकता है? पाकिस्तान से ऐसा कोई नज़र नहीं आ रहा है प्लेयर जो भारी पड़ सकता है, प्रैक्टिस मैचेस में भी ऐसा कोई प्लेयर दिखा नहीं, पर जहाँ तक देखने से लग रहा है वाहिब रियाज, क्योंकि लोअर ऑर्डर में भी काफ़ी मार रहा है, पिछले कल का मैच था उसमें भी वाहिब रियाज ने मारा, और उसके बाद वाहिब रियाज ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच था उसमें भी, इंग्लैंड के खिलाफ उसमें भी एकदम से दो विकेट लिए थे, तो वहाँ से भी मैच पलटा, तो वाहिब रियाज दिख रहे हैं कि वो विकेट लेके मैच जिता सकते हैं पाकिस्तान। तो आप देख सकते हैं भारत और पाकिस्तान का जो हाई वोल्टेज मैच है उसको लेकर केडी सिंह बाबू स्टेडियम में भी काफ़ी उतावलापन देखा जा सकता है। एक हाई वोल्टेज मैच के लिए पूरी तरीके से पूरा देश भारत के साथ है, यहाँ के जो खेल प्रेमी हैं वो भी भारतीय टीम का समर्थन कर रहे हैं, इसका साफ संकेत है कि पाकिस्तान इस बार इतिहास नहीं बदल पाएगा, यानी इतिहास वही रहेगा, भारत एक बार फिर पाकिस्तान पर भारी पड़ता हुआ नजर आएगा। कैमरामैन जाकिर के साथ मैं सैयद मोहम्मद अब्बास, जुबली पोस्ट के लिए लखनऊ।